News 18, India. आज हिंदू समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है और हम लोग को सनातन धर्म कायम हो गया। हर हर महादेव। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। हिंदू पक्ष की लंबी लड़ाई के बाद पुनः पूजा का अधिकार आज मिलना बड़े गर्व की बात है और संतों में उत्साह है, हिंदू जनमानस उत्साहित है। अब लगता है कि भोले की कृपा हो चुकी है और भव्य जल्द ही मंदिर का निर्माण वहां पर भी होगा। एडवोकेट हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी पूजा होगी। और जो रिपोर्ट अभी आई है कि उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे हाईकोर्ट। पूजा के लिए जो कोर्ट ने अधिकार दिया है उससे हम बड़े खुश हैं। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले, अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। देखिए, पहले तो मुसलमानों की गलती नहीं है, ये भारत के मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, ये ग्लोरीफाइड डकैत था क्रांता औरंगजेब और उसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो ये नहीं कहना चाहिए कि भारत के मुसलमान गलती माने, भारत के मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। हाँ, कुछ लोग भारत के मुसलमान, अगर मुसलमानों का एक वर्ग अपने आप को उन आक्रांताओं से जोड़ता है तो ये गलत है, पहले तो मैं साफ कर दूँ। मगर आज एक आप कल्पना कीजिए कि किसी घर में आपका परिवार 400-500 सालों से रह रहा है। कल्पना कीजिए, आपका परिवार अपने घर में 500 वर्षों से रहता आया हो, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी, फिर एक दिन आपके घर में कोई गुंडा या बाहरी व्यक्ति घुसा है। गुंडा कह रहा हूं, समझ लीजिए किसको कह रहा हूं, कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में घुसा है, वो आपके घर पर कब्जा कर ले दबंगई के साथ, आपके घर की चाबी अपनी जेब में डालकर घूमता रहे, आप उससे अपने घर की चाबी मांगते रहे। लोग कहेंगे अगर आप चाबी मांगेंगे तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है, अगर आप अपने घर में वापस जाने की बात करेंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। आप क्या कहेंगे, मतलब आप उससे अपने घर की चाबी मांगते रहे कि भाई हमारे घर की चाबी दे दो, हमारा घर है, आपने तो कब्जा कर लिया। वो इनकार करते कि नहीं, फिर आपको वही चाबी वापस लेने के लिए ना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और अदालत 31 साल बाद 31 साल बाद उस व्यक्ति को आदेश दे कि वो आपको आपके घर की चाबी लौटा दे। 31 साल बाद सोचिए, इस दौरान आपको कितने दुख, कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। दरअसल ये कहानी काशी के व्यास परिवार की है, काशी के व्यास परिवार की व्यथा भी यही है और भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की भी ना यही कहानी है। व्यास परिवार, जिनका परिवार और कई पीढ़ियां ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में सैकड़ों वर्षों तक पूजा पाठ करती रही। ज्ञानवापी का परिसर जहां कथित ढांचा मस्जिद बनाए जाने के बाद भी मस्जिद परिसर में ही मौजूद व्यास जी के तहखाने में व्यास परिवार द्वारा पूजा पाठ किया जाता रहा। लेकिन एक दिन अचानक दिसंबर 1993, ये डेट ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, दिसंबर 1993, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर वहां पूजा पर रोक लगा दी जाए
तहखाने पर ताला लगवा दिया जाए, तहखाने में मौजूद देवी देवता कैद हो जाएं, देवी देवता कैद हो जाएं। हिंदुओं की आस्था इस तहखाने में पूरे 31 साल बंदी बनी रहे। बाहर नंदी महाराज प्रतीक्षा में बैठे रहे। नंदी महाराज, हिंदुओं की आस्था को लोहे की दीवारों में कैद कर दिया जाए, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर सन्नाटा पसरा रहा। यही हुआ है आज 31 साल बाद। वाराणसी की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, ऐतिहासिक खबर है ये। इसको कहा जा रहा है पहली बड़ी जीत। मस्जिद का दरवाजा खुला पूजा के लिए। एक एक शब्द सुनिए, ये पहली बार मस्जिद, अब कथित मस्जिद कह लीजिए, अभी तो तय होगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तो सर्वे हो रहा है, लेकिन पहली बार अभी जो मस्जिद है उसका दरवाजा खुल गया हिंदुओं के लिए। ये आज हुआ है। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद, जहां पूजा होती थी, जिसको व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है। ये तहखाना आज की तारीख में उसी कथित ज्ञानवापी मस्जिद में है, जहां भव्य हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य, सैकड़ों सबूत पिछले हफ्ते ही एएसआई के सर्वे से सामने आ चुके हैं। वही मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे 2 सितंबर 1669 को ग्लोरिफाइड डकैत, आतंकी आक्रांता औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। जाबाद में एक विवादित ढांचा या मस्जिद खड़ी कर दी गई। वही ज्ञानवापी जिसके मंदिर होने पर अब शायद ही कोई शक बाकी है। इतने सब वही ज्ञानवापी जहां मौजूद महादेव की मुक्ति की प्रतीक्षा देश के हिंदू सैकड़ों वर्षों से करते। वही ज्ञानवापी जिसकी दीवारें चीख चीख कर सनातन के साक्ष्य देती रही, लेकिन दरबारी इतिहासकारों ने इन दीवारों का मुंह ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब की स्तुति करने वाली कलम से बंद करने की कोशिश की। दरबारियों ने झूठ बोला, दीवारों ने सच उगला। वही ज्ञानवापी जिसे मंदिर साबित करने की लड़ाई का पहला चरण आज वाराणसी की अदालत के फैसले से पूरा हुआ। मस्जिद के दरवाजे खुल गए हिंदुओं के लिए। मस्जिद परिसर में अब पूजा पाठ होगा और अब उम्मीद है कि जल्दी वजू खाने का सच भी बाहर आ जाएगा और पता लगेगा कि वो फाउंटेन है या फव्वारा है या शिवलिंग है। अभी हमें नहीं पता, हो सकता फाउंटेन हो सकता है शिवलिंग हो, लेकिन फाउंटेन, शिवलिंग या फव्वारा, सर्वे से होगा निपटारा। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को विचार योग्य बोल दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये, विचारणीय है, और इस मामले में अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया गया है। देखिए, 4 महीने पहले, पूरी कहानी समझिएगा, 4 महीने पहले, अभी 25 सितंबर 2023 को 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने वाले सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने एक याचिका दायर की अदालत में, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत मांगी, जो 1993 से पहले वहां होती आई थी। 1993 में मुलायम सिंह यादव के आदेश पर वो पूजा रोक दी गई। उस याचिका में ये कहा गया था कि भाई मुस्लिम पक्ष तहखाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इस पर इसी महीने के 17 तारीख को अदालत ने तहखाने की चाबी जिला अधिकारी को सौंपने का फैसला सुना दिया, और आज पूजा पाठ की इजाजत वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने आदेश दिया कि जिला अधिकारी 7 दिनों के अंदर व्यास जी के तहखाने में, जो मस्जिद परिसर में है, मस्जिद परिसर में तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था करे। 31 साल, 1993 में मुलायम सिंह यादव ने बंद कराई थी पूजा, बैरिकेटिंग लगा दी थी। नंदी महाराज के सामने बैरिकेटिंग, कभी गए अगर आप काशी दर्शन करने तो देखिएगा, नंदी जहां देख रहे हैं वहां बैरिकेटिंग लगाकर वो बंद कर दिया गया। 31 साल बाद ये पहला मौका होगा जब मस्जिद परिसर में जाकर हिंदू पूजा पाठ कर सकेंगे। इसके लिए वाराणसी के जिला अधिकारी को
बैरिगेटिंग लगाकर लोगों को अंदर जाने का रास्ता तैयार करने का आदेश दे दिया गया। ये भी कहा गया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा देखी जाएगी। देखिए, अदालत के फैसले में तहखाने से मिली देवी देवताओं की मूर्तियों का भी जिक्र है। सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, वहां देवी देवताओं की मूर्तियां उस तहखाने में कैद थी, बंदी बनी हुई थी 31 साल। फैसले में उसका भी जिक्र है जिन्हें एएसआई ने अपने सर्वे के दौरान तहखाने से बरामद किया। एएसआई ने 2 तहखाने खोले थे, 2 खोले हैं, 8 को खोला जाना अभी बाकी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार यह कहता रहा है कि ना तो कभी व्यास परिवार के किसी सदस्य ने तहखाने में पूजा पाठ किया, ना ही वहां कोई मूर्तियां हैं, और अब मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जाएगा। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य है और जिसे अदालत ने भी माना कि व्यास परिवार सैकड़ों वर्षों से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करता आया है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है, और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल बच गया है, और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़ा। अब आगे की रणनीति यही है, मैं हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है, और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें, उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई है SI की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। देखिए, कई इतिहासकार ये दावा करते आए हैं कि औरंगजेब ने पहली बार काशी पर, औरंगजेब ने 1664 पर हमला किया था, और तब काशी के हजारों नागा साधु काशी विश्वनाथ मंदिर और औरंगजेब की सेना के बीच दीवार बनकर खड़े हुए थे। इसी लड़ाई में जीता हुआ तहखाना नागा साधु ने व्यास परिवार को सौंपा था। देखिए, हमें दावे की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन काशी के जानकार और पुराने लोग इसे एक सच्ची कहानी बताते हैं, सच जो भी हो। लेकिन व्यास परिवार का इस मंदिर से रिश्ता आज का नहीं बल्कि 473 साल पुराना बताया जाता है। सोचिए, 550 साल इंतजार किया इस परिवार ने। व्यास उस ब्राह्मण को कहा जाता है जो श्रद्धालुओं को रामायण, महाभारत, वेदों, पुराणों से मिली बातें सुनाता है, लिखी बातों को सुनाता है, व्यास जी। देखिए, कहा जाता है कि सबसे पहले 1551 में शतानंद व्यास इस मंदिर के व्यास बने, इसके बाद 1669 में सुखदेव व्यास, 1734 में शिवनाथ व्यास, 1800 में विश्वनाथ व्यास, और 1839 में शंभुनाथ व्यास, 1842 में रुक्मिणी देवी, 1854 में महादेव व्यास, 1874 में कालिका व्यास, 1883 में लक्ष्मी नारायण व्यास, 1905 में रघुनंदन व्यास, 1930 में बैजनाथ व्यास इस मंदिर के व्यास बने। सरल भाषा में कहें तो पुजारी बने। ठीक, समझ गया बाप। बैजनाथ व्यास का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी पुत्री राजकुमारी व्यास ने इस वंश को आगे बढ़ाया, और इसके बाद उनके बेटों और फिर उनकी संतानों ने इस परंपरा को जारी रखा, जिनमें सोमनाथ व्यास, ये नाम सोमनाथ व्यास भी थे। सोमनाथ व्यास ही वो आखिरी व्यक्ति थे जो दिसंबर 1993 तक इस मंदिर में पूजा पाठ, इस तहखाने में पूजा पाठ किया करते थे। क्या हुआ था, आप जानना चाहेंगे ना, उस वक्त क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव ने पूजा पर रोक क्यों लगाई, कहानी सुनिए। हुआ यह कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी ढांचा, विवादित ढांचा गिरा दिया। उससे कुछ महीने पहले ही बीजेपी राम लहर पर सवार होकर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के सत्ता में आ गई थी। मुलायम सिंह यादव को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 6 दिसंबर 1992 की घटना के फौरन बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, विधानसभा भंग कर दी गई। फिर क्या हुआ, जब दिसंबर 1993 में दोबारा चुनाव हुए ना, तो वही मुलायम सिंह यादव दोबारा चुनाव जीतकर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, और जिनके आदेश पर 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोलियां, याद है, उन्होंने चलाई गई थी, जिसमें कोठारी बंधुओं समेत कई कार सेवक मारे गए थे। 1991 में अपने इसी हिंदू विरोध की वजह से मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर हुए थे। हालांकि दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव
दोबारा मुख्यमंत्री बने, और शायद कहा जाता है भाई कि 1991 की हार और बाबरी का बदला लेने के लिए, दोबारा सुनिए, 1991 की हार और बाबरी का बदला लेने के लिए उन्होंने सत्ता में वापसी करते ही दिसंबर 1993 को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद करने का आदेश दे दिया। देखिए, कम से कम मुलायम सिंह यादव के विरोधी तो यही आरोप लगाते हैं, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, कि कम से कम मुलायम सिंह यादव के जो विरोधी हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि बाबरी का बदला लेने के लिए पूजा बंद कराई थी मुलायम सिंह यादव ने, आरोप लगते हैं। अब देखिए, ज्ञानवापी में तो हिंदुओं की एंट्री का रास्ता आज खुल गया।